मौत का पूरा मामला है, जहां प्रभारी उपायुक्त आबकारी शैलेश सिंह हटाए गए हैं। 3 महीने में 33 लोगों की मौत के बाद ये कार्रवाई हुई है। जहरीली शराब से मौतों के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। शैलेश सिंह की जगह नरेश चौबे को पदभार दिया गया है। वहीं भोपाल में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता में पदस्थ है नरेश चौबे। तो ग्वालियर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जहरीली शराब से मौत का यह पूरा मामला आपको बता दें, प्रभारी उपायुक्त आबकारी शैलेश सिंह हटाए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 महीने में 33 लोगों की मौत के बाद अब जाकर ये कार्रवाई हुई है। जहरीली शराब से मौतों के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं शैलेश सिंह की जगह नरेश चौबे को पदभार दिया गया। तो ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तीन महीने में 33 लोगों की मौत के बाद आपको बता दें कि जहरीली शराब मामले पर जो कार्रवाई है वो की गई है। तो लगातार जहरीली शराब से मौत के तमाम मामले सामने आए थे, जहां उज्जैन में भी मामला सामने आया। उसके बाद मुरैना की हम बात करें तो मुरैना में भी जहरीली शराब के चलते तमाम लोगों की मौत हुई। उसके बाद हाल ही में ग्वालियर चंबल संभाग में भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी जहरीली शराब के चलते तमाम लोगों की जान गई थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो की गई है। प्रभारी उपायुक्त आबकारी शैलेश सिंह को हटा दिया गया है। वही 3 महीने में 33 लोगों की मौत के बाद ये कार्रवाई। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। दमोह पहुंचे मुख्यमंत्री।